जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 21वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनिए। हरि ने कर्दम को दिया मन वांछित वरदान, स्वयं भू मनु ने किया निज कन्या का दान। सुनिए, विदुर जी पूछने लगे, हे भगवान, आप अब स्वयं भू मनु के प्रशंसनीय वंश का वर्णन करो, जिस प्रकार से मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति एवं वृद्धि हुई। आपने पहले बताया था कि स्वयंभू मनु के प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र सातों दीप वाली पृथ्वी की धर्म पूर्वक रक्षा करते थे, तथा स्वयंभू मनु की देवहूति नामक कन्या कर्दम प्रजापति की पत्नी थी। यह भी आपने कहा था, तो हे ब्राह्मण, कर्दम प्रजापति ने देवहूति अपनी पत्नी से कितने पुत्र पैदा किए? भगवान रुचि ने आकुति से तथा ब्रह्मपुत्र प्रजापति दक्ष ने परशुति नामक अपनी पत्नी से जिस जिस प्रकार सृष्टि उत्पन्न की, सो सब मुझे समझाइए। विदुर जी की ऐसी बातें सुनकर श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से प्रजा की उत्पन्न करने के लिए कहा। तब कर्दम प्रजापति सरस्वती नदी के पवित्र तट पर 10,000 वर्ष तक भक्ति से हरि भगवान का स्मरण करते हुए परम तप तपने लगे। फिर भगवान हरि ने अपनी पूजा व आराधना नियम से होती हुई देख कर और उनकी प्रबल तपस्या देख कर प्रसन्न होते हुए उनको अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। सतयुग की तपस्या से तेजस्वी कर्दम जी ने सूर्य के समान प्रकाशमान पीतांबर पहने हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, गरुड़ पर विराजमान गगन मंडल में स्थित हरि भगवान को अपने चकित नेत्रों से देखा और अपनी इच्छा सिद्ध हुई देख कर शीघ्र पृथ्वी पर अपना मस्तक झुकाकर एवं हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान की अनेक प्रकार से प्रार्थना करने लगे। भगवान हरि मुनि राज की प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि राज, कर्दम जी, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा। ब्रह्मवर्त देश निवासियों के स्वामी प्रजापति मनु अपनी रानी सतरूपा के सहित आपके पास परसों के दिन अवश्य ही आवेंगे। उनकी अति रूपवती सुलक्षणा देवहूति नामक एक कन्या है, वे उस कन्या को आपके अनुकूल समझकर आपकी भार्या बनाने के लिए देंगे। राजकुमारी आपसे प्रसन्न होकर अपने गुप्त रूप अनुसार अनेक कन्याएं पैदा करेंगी। आपकी पुत्रियों का विवाह तपस्वी ऋषियों से होगा। इस प्रकार से विविध प्रजा उत्पन्न होगी। हे मुनिराज, तुम गृहस्थ आश्रमी होकर दीन जनों पर सदैव उपकार करते रहना, ये ही गृहस्थियों का धर्म है। हे मुनि, मैं अपने अंशों द्वारा आपके वीर्य से माता देवहूति के गर्भ से जन्म लेकर सांख्य शास्त्र की स्थापना कर संसार का उपकार करूंगा। हे विदुर, भगवान हरि कर्दम मुनि को ऐसी दिव्य शिक्षा देकर और
उनका मनोरथ पूर्ण कर विंध्य सरोवर से लौट कर चलने लगे। भगवान के परस्थान समय पर मुनिराज ने सामवेद की स्तुति की, जिससे भगवान हरि प्रसन्न हुए और उन्हें आत्मज्ञान प्रदान करते हुए वही अंतर्ध्यान हो गए। भगवान हरि के अंतर्ध्यान होने के पश्चात मुनि कर्दम जी उसी बिंदु सरोवर पर भगवान हरि का आराधन करते हुए निवास करने लगे। इसी सरोवर पर मनु अपनी रानी तथा राजकुमारी को साथ लेकर स्वर्ण रथ में बैठकर अनेक देशों के पर्यटन एवं अपनी कन्या के लिए योग्य वर अन्वेषण करने के लिए निकले। अचानक वे इतस्थै ब्रह्मण करते हुए सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदु सरोवर पर मुनिवर कर्दम जी के ही पुनीत आश्रम पर आ गए। उन्हें योग्य एवं गुण निधान समझकर विधिवत वैदिक विधि अनुसार अपनी प्रिय पुत्री देवहूति का उनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार यानी विवाह भी करा दिया, क्योंकि मुनि जी तो श्री देव ऋषि नारद के मुख से उनके प्रशंसक गुण लक्षण आदि पहले ही सुन चुके थे। 21वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 22वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।